एवरीवन, दिस इज शुभ्रा एंड यू आर वाचिंग द अर्बन वुमनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का ये हॉल जो है वो मैक्सी ड्रेसेस फ्रॉम मिंत्रा है एंड मैक्सी ड्रेसेस इज समथिंग जो आई थिंक हर ओकेजन, हर बॉडी टाइप, हर स्किन कलर टोन, हर पर्सनालिटी पे, चाहे आपकी हाइट ज्यादा हो या कम हो, आई मीन मैक्सी ड्रेस इज समथिंग जो हर किसी के पर्सनैलिटी पे बहुत ही ज्यादा सूट करता है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आपके ऊपर कौन सी चीजें ज्यादा सूट करती है। सो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मैक्सी हॉल एंड आज के ये सारे मैक्सी ड्रेसेस मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं एंड आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि मिंत्रा पे चल रहा है ह्यूज समर सेल, जिसे हम एंड ऑफ रीजन सेल कहते हैं एंड इतने ज्यादा अमेजिंग डिस्काउंट्स है गाइस। आई मीन आपको हर कैटेगरीज में यू नो अप टू 90% तक भी ऑफ है, लाइक 50, 60, 70, 80, 90% तक भी ऑफ हमें मिल जाता है। दैट इज लोवेस्ट प्राइस एवर ऑन इंटरनेशनल ब्रांड्स। सो आई थिंक अगर आपके विशलिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट्स अगर है या फिर आपको हॉल वीडियोस में कोई भी प्रोडक्ट्स अगर पसंद आ रहे हैं ना, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू शॉप फ्रॉम। नाउ आज का ये वीडियो एक और रीजन से स्पेशल है बिकॉज मैं ना आपके साथ सिर्फ मैक्सी ड्रेसेस के ऑप्शन शेयर नहीं करूंगी, मैं आपको हर मैक्सी ड्रेस को मैंने किस वे से स्टाइल किया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, लाइक ए टू जेड सारी चीजें कि आप कौन से मैक्सी ड्रेसेस के साथ यू नो किस टाइप के इयररिंग्स, किस टाइप का हैंडबैग, किस टाइप के फुटवेयर, किस वे से आप उसको स्टाइल कर सकते हो, ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुछ इस टाइप का वीडियो क्रिएट करने का, लाइक इसके पहले मैंने स्टाइलिंग वीडियोस कभी नहीं किया है, हॉल वीडियोस किया है जहां पे मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, बट मैक्सी ड्रेसेस मुझे क्योंकि इतना ज्यादा पसंद है तो आई थॉट कि ठीक है एक ट्राई करके देखते हैं। तो यू हैव टू टेल मी कि आपको आज का ये एक्सपेरिमेंट कैसा लग रहा है। आई मीन सिर्फ प्रोडक्ट्स ना दिखा के उसके साथ मैंने हर एक लुक जो क्रिएट किया है वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, तो आपको इस वे का वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताना। नया नया यूट्यूब चैनल है सो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूं कि आपको कौन सी चीजें पसंद आएगी, सो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स। कुछ चीजें हैं जो मैंने ऑनलाइन परचेज की है बट कुछ चीजें हैं जो ऑफलाइन भी परचेज की है या फिर उसे परचेज किए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैं लुक वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर लुक में मैंने जो भी चीजें यूज की है वो लुक वाइज मैं आपको नीचे देती जाऊंगी, सो दैट अगर आपको कोई भी चीज परचेज करनी हो तो आप वहां पे क्लिक करके वो चीजों को परचेज कर सकते हैं। एंड जो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे या फिर जो प्रोडक्ट्स यू नो मैंने ऑफलाइन लिया होगा उससे सिमिलर आइटम्स जो भी मुझे मिलेगा वो सब कुछ मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी। एंड या इंट्रो काफी लंबा हो गया, सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट, सो मैंने ये वाला मैक्सी ड्रेस परचेज किया एंड दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक गाइज। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऊपर इस तरीके का टॉप सॉर्ट ऑफ मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स मिल जाती है एंड देन नीचे से ये कनेक्टेड है, सो ये अटैच्ड है, ये दो सेपरेट पीसेस नहीं है। नाउ यहाँ पर आपको यू नो अपने वेस्ट में ना बहुत प्यारा सा कटआउट मिल जाएगा जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है एंड बैक साइड से आपका जो बैक है वो भी विजिबल हो जाएगा एंड फिटिंग वाइज ये काफी ज्यादा अच्छा है। नाउ लेट मी टेल यू कि इस ड्रेस को मैंने कैसे स्टाइल किया है। तो फर्स्ट थिंग मैंने अपने हैंड्स के लिए यूज किया है ये वाला ब्रेसलेट एंड ये ब्रेसलेट मैंने मीशो से परचेज किया था, मैंने मीशो रैंडम फाइंड्स में ऑलरेडी ये प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो क्योंकि उसमें ग्रीन एंड एक्वा ब्लू का हिंट है सो मैंने उसमें ये वाला ब्रेसलेट जो है वो स्टाइल किया है गोल्डन कलर में, काफी ज्यादा प्रिटी लगता है। नाउ इसके साथ मैंने इयररिंग्स के लिए कुछ इस टाइप की इयररिंग्स यहाँ पर स्टाइल की है। ये इयररिंग मैंने यू नो एक एग्जीबिशन से लिया था बट बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं तो मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी। इसमें ब्यूटीफुल सा कैक्टस बना हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है, सो आई रियली लाइक दिस वन। टॉमी की ये वॉच है, ये वॉच मैं हमेशा वेयर करती हूँ तो ये वॉच मैंने वेयर किया हुआ है एंड इसके साथ मैंने बैग लिया है कुछ इस तरीके का, क्योंकि इस ड्रेस में आपको कुछ येलो कलर के यहाँ पे प्रिंट्स मिल जाएंगे तो इसके साथ ये काफी ज्यादा वाइब्रेंट लग रहा था। ये बैग मैंने ऑफलाइन स्टोर H&M से लिया था तो यहाँ पर आप टैग देख सकते हो, H&M का है ये। एंड फॉर द फुटवेयर आई हैव यूज्ड ड्रेस बेरी का पंप्स जो कि कुछ इस तरीके का है एंड ये बहुत
टाइम पहले मैंने परचेज किया है एंड यू नो अंदर से ना ये थोड़ा रिप्ड ऑफ होना भी शुरू हो गया है। इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है बट द बेस्ट थिंग इसकी बाहर से नहीं है, अंदर से ख़राब है। सो पहनने पे पता नहीं लगता है, तो आई एम यूटिलाइजिंग इट जितना पॉसिबल हो सके एंड द ब्रांड इज ड्रेस बेरी। इसका लिंक अवेलेबल होगा तो मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी। ऐसे सिमिलर पम्प्स तो मैक्सी ड्रेसेस में इस टाइप के पम्प्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। सो दिस वॉज द ओवरऑल लुक। ड्रेस काफ़ी अच्छा है और आप मल्टीपल वेज में इसको स्टाइल कर सकते हो। सो आई एब्सोल्यूटली लव दिस ड्रेस। इसमें और भी कलर्स एंड प्रिंट्स भी अवेलेबल हैं, उनका लिंक्स भी मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पीस। सो आई ऑर्डर्ड दिस मैक्सी ड्रेस। समर्स है ना तो मैंने फ्लोरल वाले ही ऑप्शंस पिक किए हैं बेसिकली, एंड दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक। सो काफी प्रिटी सा ये पीस हमें देखने को मिलता है, काफी लाइट वेट है एंड यहाँ पर आपको यू नो नूडल स्ट्रैप मिल जाता है एज वेल एज आपको ऑफ शोल्डर में कुछ 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगा। हियर इज द ट्राई ऑन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ओवरऑल लुक इसका कैसा लगता है। फुल लेंथ है इसकी, मेरी हाइट 5'5" है, सो यू कैन यू नो रिलेट कि कितना हाइट में आपको आएगा। एंड इसका जो फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा फ्लेयर नहीं है बट कंफर्टेबल है, काफी डिसेंट है। सो आई एब्सोल्यूटली लव दिस वन। समर्स में इस टाइप के ड्रेसेस बहुत प्रिटी लगते हैं बाय द वे। नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने इसे स्टाइल कैसे किया है। सो इसके लिए हैंड बैग के लिए मैंने ये वाला पीस यू नो लिया है बिकॉज ड्रेस में पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, तो उसके साथ मैंने ये वाला बैग पेयर किया है। आई गॉट दिस बैग फ्रॉम अजियो एंड आई थिंक अभी आउट ऑफ स्टॉक है बट मैं लिंक दे दूंगी। सो ये भी काफी अच्छे से ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। देन इयररिंग्स के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर के हुप्स यू नो स्टाइल किए हैं एंड काफी अच्छी क्वालिटी का ये हुप्स है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सारे आउटफिट्स में चला जाता है। गोल्डन इयररिंग्स थी तो वॉच में भी मैंने सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स का ये वाला वॉच पेयर किया है जो कि टॉमी ब्रांड का है। नाउ फॉर द फुटवेयर्स मैंने यू नो इसे पेयर किया है विद ब्यूटिफुल पिंक पम्प्स फ्रॉम मिंत्रा एंड ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी पम्प्स है गाइज। मतलब ये बहुत ही ज्यादा यू नो क्लासी लगता है, काफी ज्यादा पॉप ऑफ कलर ऐड कर देता है। वेलवेट मटेरियल में है, ड्रेस बेरी ब्रांड है एंड हील्स अगर आपको कंफर्टेबल लगता है देन इन दैट केस आपको ये फुटवेयर काफी ज्यादा अच्छे से आ जाएगा बिकॉज काफी कुशनी है राइट। डे टाइम के लिए आई थिंक ये और भी ज्यादा एलिगेंट लगेगा। हे गाइज दिस इज द अर्बन वुमनिया एंड आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ विच इज ज़ूक। एंड आई एम श्योर कि आपने ज़ूक के बारे में डेफिनेटली सुना होगा या अपने अराउंड पता नहीं कितने गर्ल्स को ज़ूक के बैग्स को यूज करते हुए आई एम श्योर देखा ही होगा। यस गाइज इस ब्रांड की स्पेशलिटी ये है कि ये वेगन है, ये क्रुएल्टी फ्री है, ये हैंड क्राफ्टेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्राउडली इंडियन मेड प्रोडक्ट है, पेटा अप्रूव्ड है एंड सो मच मोर गाइज। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं उनका न्यूली लॉन्च स्लिंग बैग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे रिसीव हुआ है इस ब्यूटीफुल सी क्यूट सी पैकेजिंग में। सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक गाइज एंड दिस लुक्स सो प्रिटी, सो प्रीमियम एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यू नो ये ऐसे स्टैंड हो जाता है जहां पे भी आप रखोगे यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड वंस यू विल ओपन इट यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिलेगा सो दैट यू कैन यू नो स्टोर योर फोन्स एंड छोटे मोटे से चीजें एंड देन यहाँ पर आपको एक प्रीमियम क्वालिटी का जिप भी मिल जाएगा सो दैट आपकी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली सिक्योर्ड हो एंड इनके यू नो जिप वगैरह में भी ब्रांडिंग की हुई है विच मेक्स इट वेरी प्रीमियम। एंड वंस यू ओपन इट यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पेस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉकेट भी है एंड पीछे आपको एक जिप पॉकेट भी मिल रहा है टू यू नो कीप ऑल योर निकनैक्स, लिपस्टिक, कार्ड्स, कैश, कीज, व्हाटएवर यू वांट टू एंड काफी स्पेशियस है आई वुड से। एंड इसकी जो ओवरऑल डिटेलिंग है इट्स वेरी प्रिटी एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरीके का लगता है। नाउ इस रेंज में आपको ओवरऑल बैग में ब्राउन कलर की ये डिटेलिंग मिलेगी, इट्स जस्ट दैट कि ये वाला जो पोर्शन है ना फ्रंट एंड बैक ये दोनों में आपको बहुत सारे प्रिंट्स एंड कलर ऑप्शंस चूज करने के लिए बहुत वैरायटी मिल जाएगी। एंड इसका जो स्ट्रैप है स्ट्रैप में भी ब्यूटीफुल सी डिटेलिंग है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक
बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बहुत प्रिटी सा मुझे ये पीस लगा है एंड काफी ब्रॉड स्ट्रैप है जिसकी वजह से इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल ऑन आवर शोल्डर एंड यू नो ज़ूक पे हमेशा ही ऑफर्स चलते रहते हैं येट इफ यू आर प्लानिंग टू बाय यू कैन यूज माय स्पेशल कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एंड इस कोड को आप यूज करेंगे अगर इनकी वेबसाइट से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड राइट ओवर हियर एंड आपको इनकी वेबसाइट लिंक इनका सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट एंड ये वाला पीस आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है एनीवेज सो जो नेक्स्ट पीस है दैट इज समथिंग जो मैंने ऑलरेडी वेयर किया हुआ है सो मैंने ये वाला कलर ब्लॉकिंग पैटर्न में ये मैक्सी ड्रेस परचेज किया एंड लुक्स वाइज ना मुझे काफी प्रिटी लग रहा था ये इसमें आपकी हाइट काफी ज्यादा लंबी लगती है इस टाइप के प्रिंट्स में सो अगर हाइट कम है तो भी आप इसको प्रेफर कर सकते हो इट्स अ वेरी नाइस परचेज एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग मैं यहाँ पे ट्राई ऑन लगा रही हूँ सो ट्राई ऑन में मैंने काफी डिफरेंट वे से स्टाइल किया है बट फॉर द वीडियो मैंने इसे ह्यूज ऑक्सीडाइज्ड अफगानी ज्वेलरी के साथ पेयर किया है विद स्मोकी आईज सो यहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है आप मल्टीपल वेज में चीजों को स्टाइल कर सकते हैं राइट सो टॉकिंग अबाउट द ट्राई ऑन थिंग इसके साथ मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक कलर की ना काफी ज्यादा अच्छी हील्स मैंने स्टाइल किया है सो दैट और भी ज्यादा हाइटेड लगूं मैं सो मेरी हाइट इज 5'5" आई थिंक आई हैव टोल्ड यू तो आप देख सकते हो कि कितनी हाइट है इसकी नाउ मैंगो का ये वाला मैंने फुटवेयर इसके साथ स्टाइल किया है हील्स यू कैन सी कितना ज्यादा है एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मैंगो यू कैन सी द लेबल हियर एंड ये मैंने मॉल से ही परचेज किया था ये ऑनलाइन नहीं लिया है बट आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन सो इससे रिलेटेड भी चीज मैं आपको नीचे लिंक डाउन कर दूंगी नाउ फॉर द एक्सेसरीज फर्स्ट ऑफ ऑल नेक में मैंने ये वाला प्रिटी सा यू नो नेक पीस स्टाइल किया है उसमें मैंने काफी क्लासिक सा गोल्डन के साथ प्ले अराउंड किया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ब्लू के शेड्स है तो ये काफी अच्छे से जा रहा है बस यही इशू है कि ये मैंने अगेन बैंगलोर मॉल से लिया है फिनिक्स से लिया था एंड ओनली ब्रांड का है ये सो इस टाइप के पीसेस आप मूव अराउंड कर रहे हो ना अगर कुछ अच्छा दिखता हो तो डेफिनेटली यू नो पिक कर लेना चाहिए आई थिंक तो ये मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ एंड फॉर द इयररिंग्स मैंने ओनली से ही ये वाला जो इयररिंग्स है वो इसके साथ पेयर किया है ब्यूटिफुल इयररिंग्स है गाइज ओनली ब्रांड का है आई थिंक ये मुझे MRP इसकी 695 है बट ऑफलाइन स्टोर से लिया है मैंने बट आई थिंक मुझे 450 to 500 समथिंग में ये मिला था एंड काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है बट एनीवेज ऑनलाइन भी आपको इस टाइप के बहुत सारे पीसेस मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइजेस में भी मिल जाएगा सो आप कोई भी गोल्डन इयररिंग्स इस टाइप से आप पेयर कर सकते हो एंड आई थिंक या ओवरऑल लुक कुछ इस तरीके का है इसके साथ बैग ब्लैक भी ले सकते हो आप बट मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर का बैग इसके साथ स्टाइल किया है ये बैग मैंने मीशो से परचेज किया था बहुत अफोर्डेबल आई थिंक 300 to 400 में ही मैंने ये बैग लिया था हॉल वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है तो काफी प्यारा सा बैग है एंड इसके साथ काफी ज्यादा अच्छे से यू नो पेयर भी हो जा रहा था बिकॉज यहाँ पे आपको व्हाइट कलर का हिंट मिलता है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पीस सो दिस इज वॉट आई हैव ऑर्डर्ड जो फर्स्ट ग्रीन वाला ड्रेस है ना बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है ब्लैक कलर में ब्यूटिफुल से फ्लोरल प्रिंट्स है एज यू कैन सी एंड वेयर करने पे ना आपका जो कलर है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाता है ये ड्रेस के बाद ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं और ज्यादा फेयर लग रही हूँ ये वेयर करने पे सो आई एब्सोल्युटली लव दिस वन द पॉप ऑफ कलर एंड एवरीथिंग समर्स में ऐसे ड्रेसेस बहुत प्रिटी लगते हैं ब्लैक होने के बाद भी काफी कंफर्टेबल है एंड आई सूदिंग मुझे लगा है एनीवेज सो इस ड्रेस के साथ फॉर द फुटवेयर्स मैंने रेड कलर का ये ब्यूटिफुल सा हील्स यू नो स्टाइल किया है एंड आप चाहो तो ग्रीन कलर के साथ भी प्ले कर सकते हो बट मैंने रेड के साथ किया है सो ये हील्स मैंने मीशो से लिया था अराउंड 400 समथिंग एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है काफी ज्यादा प्रिटी लगता है वेलवेट टेक्सचर है इसका देन फॉर द इयररिंग्स मैंने ये वाले ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स पेयर किए हैं ये मैंने मिंत्रा से ही परचेज किया है एंड स्टे ट्यून्ड मिंत्रा पे ना अभी जो सेल चल रहा है ह्यूज ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स का एक सेपरेट हॉल में लेकर आने वाले हूँ उसी का एक पीस है ये बहुत ही प्रिटी लगा है मुझे काफी प्यारे कलर्स थे इसमें
तो इसके साथ बहुत परफेक्टली मैच हो रहा था, सो आई स्टाइल्ड दिस अलोंग विद दैट ड्रेस. बैग के लिए मैंने ब्यूटीफुल सा ये रेड कलर का बैग स्टाइल किया है इसके साथ. अब एक इशू है कि ये बैग मैंने अजियो से परचेज किया था, मैंने अजियो से लिया था डिस्काउंटेड प्राइस में, करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है. फिर मैंने इसे ढूंढा अमेजोन और मिंत्रा पे भी, सो मिंत्रा पे तो मुझे नहीं मिला. अमेजोन पे ना इसके शेड्स मिल रहे हैं, मतलब ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, पीच शेड भी है, बट रेड नहीं है. मैं उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगी. रेड कलर अगर आपको लेना है तो मुझे नहीं दिखा है, इससे सिमिलर पीस में दे दूंगी, बट आप कोई भी रेड कलर का बैग उसके साथ स्टाइल कर सकते हो, काफी प्रिटी लगा है. सॉरी फॉर द वॉच अगेन, मेरी टॉमी की ऑल टाइम फेवरेट सिल्वर वॉच. सो ओवरऑल लुक मुझे बहुत अच्छा लगा है. इनफैक्ट अभिनव भी ये वाला लुक देख के बहुत खुश हो गए थे, एंड ही वॉज लाइक कि ये ड्रेस मेरे साइड से बहुत प्रिटी लग रहा है ओवरऑल लुक. तो काफी अच्छा लग रहा था, मॉडेस्ट है, कुछ भी स्किन शो नहीं हो रहा है, एंड स्टिल यू आर लुकिंग वेरी प्रेजेंटेबल. तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है. सो द नेक्स्ट ड्रेस इज दिस वन, एंड समर्स अप्रोप्रिएट फ्लोरल प्रिंट, बहुत ही फ्लोई फ्लोई सा ड्रेस है ये, एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड. आप इसका बस फ्लेयर देखो, इतना ज्यादा प्यारा फ्लेयर है इसका, बहुत प्रिटी है, एंड प्रिंट्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस यू कैन सी काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्ली वाइब आने वाला है इस ड्रेस के साथ. आपकी एज ऑटोमेटिकली कम लगेगी ये ड्रेस वेयर करके, आई एम श्योर. एंड स्लीव्स भी काफी प्यारा सा है, तो अगर आपको यू नो हॉल्टर नेक या फिर नूडल स्ट्रैप ये सब नहीं चलता है, या बैक नहीं शो कर सकते हो, ये वाले अगर इश्यूज हैं, तो आई थिंक ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट होने वाला है. नाउ फॉर द स्टाइलिंग, इस ड्रेस के साथ मैंने अगेन ड्रेस बेरी से ये वाले पम्प्स जो है वो स्टाइल किए थे. नाउ यू विल से कि मैंने सारे फुटवेयर्स सारे ड्रेस बेरी के दिखाए हैं. ड्रेस बेरी इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड इन फुटवेयर्स, बिकॉज यू नो काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने स्टाइलिश हाई क्वालिटी के फुटवेयर्स मिल जाते हैं. मुझे दूसरे ब्रांड्स ट्राई करने का मन कम करता है, हमेशा सेल में मैं ड्रेस बेरी ढूंढती हूँ, एंड कुछ ना कुछ मैं वहां से ले ही आती हूँ. तो अगेन ये वाला पीस भी वहीं का है, एंड इसका कलर काफी ज्यादा प्यारा लगा है मुझे. यू नो कोरल ऑरेंजिश सॉर्ट ऑफ शेड है, बो बना हुआ है, तो ये इसके साथ काफी अच्छे से पेयर हो गया है. मैं भूल जाती हूँ कि मुझे मैक्सी ड्रेस के बारे में बात करना है, मैं एक्सेसरीज के बारे में बताती रहती हूँ, प्लीज पेयर मी फॉर दैट. नाउ फॉर द इयररिंग्स, मैंने हूप इयररिंग्स इसके साथ स्टाइल की है. इसमें ना यहाँ पे बीड्स लगे हुए बहुत प्रिटी से, तो मुझे ये काफी ज्यादा प्यारा लगा था. सो इसमें भी वो ऑरेंज वाला टच है थोड़ा, तो मैंने ये हूप्स इसके साथ पेयर किए हैं. एंड फॉर द बैग, मैंने प्रिटी सा ये ऑरेंज कलर का बैग इसके साथ स्टाइल किया है, बिकॉज फुटवेयर के साथ ही काफी रिलेट करता है. अगेन दिस बैग इज फ्रॉम H&M, एंड ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया था रायपुर से, छत्तीसगढ़ से. सो अभी तो ये मुझे नहीं पता मिलेगा या नहीं, बट इससे सिमिलर अगर कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको नीचे लिंक डाउन कर दूंगी. इतने सारे कलर्स है ना इस ड्रेस में कि आप इसको मल्टीपल वेज में स्टाइल कर सकते हो. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल, एंड सारे ड्रेसेस में से ये वाला पीस मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है. सो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन जिसमें फ्लोरल प्रिंट भी हो, नेक भी हॉल्टर हो, और उसके बाद बहुत फ्लोई हो, जितनी चीजें मुझे चाहिए होती है एक मैक्सी ड्रेस से, इस ड्रेस में वो सब कुछ मिल जाता है. सो दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट. सो दिस इज हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक. इसका नेक कुछ इस तरीके का है, एंड ये आपको बेसिकली नॉर्मली नहीं पहनना है. ट्राई ऑन में देख लो, आपको क्रिस क्रॉस करके पहनना है, तभी इसकी फिटिंग आपको प्रॉपर आएगी. एंड बैक साइड से यहाँ पर इलास्टिक है, सो दैट यू नो अच्छे से ये आपको हग कर ले, एंड आपकी फिटिंग ओवरऑल ड्रेस की फिटिंग काफी अच्छी हो. देन नीचे में ये इतना ज्यादा फ्लोई है, यू कैन सी बहुत ही ज्यादा फ्लोई सा पैटर्न है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. नाउ फॉर द स्टाइलिंग, फॉर द फुटवेयर मैंने यहाँ पर ये हील्स के साथ इसे पेयर किया है. दिस हील इज फ्रॉम H&M, एंड ऑफलाइन स्टोर से लिया था,
काफ़ी अच्छा हील है इसका एंड यहाँ पर यू नो ब्रॉड स्ट्रैप होने की वजह से ना थोड़ा पॉप ऑफ ब्लैक कलर इसमें अच्छे से ऐड हो रहा है जो ड्रेस के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. सो आई रियली लाइक दिस वन. फॉर द इयररिंग्स मैंने यहाँ पर एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इयररिंग पेयर किया है जो कि अगेन ओनली से परचेज किया था. बेसिकली ये ना सेफ्टी पिन है, लाइक सेफ्टी पिन के पैटर्न में आपको ये मिल जाता है. मतलब मैंने ये पिक कर लिया था एंड मुझे बहुत प्रिटी लगा था. सो दिस इज हाउ द इयररिंग लुक्स लाइक एंड ऑफलाइन स्टोर से लिया था वो. एंड फॉर द बैग, मैंने यहाँ पे लीनो पेरोस का ये वाला ब्लैक बैग स्टाइल किया है. सो ये बहुत, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बैग मेरा आई थिंक 6 साल तो आराम से हो गया इसको यूज़ करते हुए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इसको. इसका लिंक विंक शायद ही मिलेगा, इतना पुराना बैग है, बट मैंने इसको इसी के साथ स्टाइल किया है. तो या दिस इज़ द ओवरऑल लुक एंड इसका फ्लेयर काफ़ी फ्लोई है, मुझे बहुत अच्छा लगा है ये. सो या गाइज, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज डोंट फर्गेट टू शेयर योर फीडबैक्स. पहली बार मैंने ट्राई ऑन के साथ पूरा यू नो लुक क्रिएट किया है. इस टाइप के वीडियोस आपको अच्छे, लाइक इस टाइप का करना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना. फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा. अगर इस वजह से वीडियो लंबी लग रही है और हेल्पफुल ना लग रहा हो तो मैं नेक्स्ट टाइम से सिर्फ आपको ड्रेस दिखाऊंगी. इसलिए यू हैव टू टेल मी, क्योंकि आपके लिए मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, राइट. एंड आज के इस पूरे कलेक्शन में आपका फेवरेट प्रोडक्ट या फिर फेवरेट ड्रेस कौन सी है वो भी ज़रूर कमेंट करना. नेक्स्ट आप कौन सी चीज़ों पे वीडियोस देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना. बहुत सारे कमेंट करना है, जो जो फील हो रहा है सब बता देना मेरे साथ, सब कुछ शेयर कर लेना. एंड सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. इसके बाद मैं एक ह्यूज ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स का डेडिकेटेड हॉल लेकर आने वाली हूँ. बहुत बड़ी साइजेस के नहीं है बट बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स है जो मुझे रिसीव हो गया एंड मैं उसको शूट करूंगी इस वीडियो के बाद. सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू मिस दैट, राइट. एंड काफी ज्यादा ह्यूज सेल है तो इस सेल का बेनिफिट उठा लो. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. द अर्बन वुमन या साइनिंग ऑफ.